हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल चैनल ऑफ इंडोलोगस। आज के इस वीडियो में हम फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड देयर निकनेम्स, जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फेमस पर्सनैलिटीज़ के निकनेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, एंड एट लास्ट हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs का डिस्कशन भी करेंगे। एंड एट लास्ट मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड देयर निकनेम्स। फर्स्ट फेमस पर्सनैलिटी है हमारे महात्मा गांधी, जिनका ओरिजिनल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी और M.K. गांधी। इनके जो निकनेम्स हैं वो हैं फादर ऑफ द नेशन, बापू, महात्मा, सेंट ऑफ साबरमती एंड द फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया स्पेशली। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट निकनेम्स हैं। तो देखिए, सेंट ऑफ साबरमती माइट बी न्यू फॉर यू, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार एग्जाम्स में। एंड बापू, महात्मा, फादर ऑफ द नेशन, दीज आर सो कॉमन। नेक्स्ट हैं सी राजगोपालाचारी, इनका निक नेम है राजा जी और इन्हें CR के नाम से भी जाना जाता है। देन लाल बहादुर शास्त्री, इनका निक नेम है मैन ऑफ पीस। देन राजा राम मोहन रॉय, इनका निक नेम है राजा, जो इनको अकबर सेकेंड ने दिया था। देन मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस एंड फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ये इनके इम्पॉर्टेंट निकनेम्स हैं। देन नेक्स्ट हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके जो निकनेम्स हैं वो हैं चाचा जी और पंडित जी भी इन्हें कहा जाता था। देन दादा भाई नौरोजी, इनका जो इम्पॉर्टेंट निकनेम है वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देन दयानंद सरस्वती, इनका निकनेम है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हैं सुभाष चंद्र बोस, इनका निकनेम है नेताजी और इनको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स के नाम से भी जाना जाता है। देन खान अब्दुल गफर खान, इनका निकनेम है फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट है। देन रविंद्रनाथ टैगोर, इनके निकनेम्स हैं विश्व कवि, कवि गुरु एंड गुरुदेव। सो दीज आर द निकनेम्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देन नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देखिए इनका निकनेम है साहित्य सम्राट। इंदिरा गांधी, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया और प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता है। देन मोहम्मद अली जिन्ना, इनका निकनेम है क्वाद ए आज़म एंड बाबा ए आज़म, ये इनके निकनेम्स हैं। देन सरोजनी नायडू, सो इनका जो निकनेम है वो है नाइटिंगल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला। जयप्रकाश नारायण, इनका निकनेम है JP और लोकनायक। चाणक्य, इनका निकनेम है मैकीवेली ऑफ इंडिया। देन चंद्रशेखर, इनका निकनेम है यंग टर्क। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, इनका निकनेम है लाला जी, पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब। देन जगजीवन राम, इनका निकनेम है बाबूजी। जितेंद्र मोहन सेन गुप्त इम्पॉर्टेंट हैं, इनका निकनेम है देशप्रिय। देन भगत सिंह, इनका निकनेम है शहीद आज़म और शहीद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देन वाल्मीकि, वाल्मीकि इनका निकनेम है आदि कवि। एंड वाल्मीकि, इनका जो रियल नेम था वो था रत्नाकर। देन TR प्रकाशम, इनका निकनेम है आंध्र केसरी, इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देन बाल गंगाधर तिलक, इनका निकनेम है लोकमान्य एंड लायन ऑफ मराठा। लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। देन CN अन्ना दुराई, इनका निकनेम है अन्ना। सो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द निकनेम ऑफ फ्लाइंग सिख टू मिल्खा सिंह। देखिए, मिल्खा सिंह, इनका निकनेम है फ्लाइंग सिख और ये इन्हें किसने दिया था, मेनली हमसे ये पूछा गया है। सो द नेम द फ्लाइंग सिख वॉज गिवन टू मिल्खा सिंह बाय अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर वॉज नोन एज सेंट ऑफ साबरमती। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, इन्हें कहा जाता है एज द सेंट ऑफ साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर खुसरू इज पॉपुलरली नोन एज। तो आमिर खुसराव, इनका जो निकनेम है वो है पैरट ऑफ इंडिया या फिर वॉइस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर इज पॉपुलरली नोन एज।
राइट आंसर हो जाएगा बार्ड ऑफ अवन. इट इज द निक नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस पर्सनैलिटी वॉज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए राजा राम मोहन रॉय. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि वॉज ऑल्सो नोन एज. तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आदि कवि. इट वॉज द निक नेम ऑफ वाल्मीकि हुज रियल नेम वॉज रत्नाकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इज नोन एज धिंग एक्सप्रेस. राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्प्रिंटर हीमा दास. इनको कहा जाता है, ये असम की हैं और इनको कहा जाता है एज थिंग एक्सप्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी इज नोन एज बादशाह खान. तो खान अब्दुल गफर खान ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं जिनको कहा जाता है बादशाह खान. मोर ओवर इनका इकॉनिक नेम है विच इज़ फ्रंटियर गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द नेम ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय. टू मेनली राम मोहन रॉय. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अकबर सेकेंड इन्होंने नाम दिया था ऑफ राजा टू राजा टू राम मोहन रॉय. मेनली इनका नाम राम मोहन रॉय था. इनको जो राजा का प्रिफिक्स है जो टाइटल है इट वॉज गिवन बाय अकबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज इज पॉपुलरली नोन एज द. राइट आंसर हो जाएगा देश बंधु इज द निक नेम ऑफ चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड एज सेंट ऑफ गुटर्स. तो मेनली हमसे पूछा गया है हु इज नोन एज होना चाहिए मेनली यहाँ पर बिकॉज हियर ऑप्शंस आर नॉट गिवन. सो सेंट ऑफ गुटर्स इट इज द निक नेम ऑफ मदर टेरेसा. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य वॉज पॉपुलरली नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली ऑफ इंडिया. इट इज द निक नेम ऑफ चाणक्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नेम्ड एज द टाइगर ऑफ मैसूर. राइट आंसर हो जाएगा टिपू सुल्तान. ही वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. नेक्स्ट है, हु गेव द टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया टू समुद्रगुप्त. तो देखिए समुद्रगुप्त इनको कहा जाता है एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत रिपीट होता है. तो देखिए वी एस स्मिथ इन्होंने टाइटल दिया था नेपोलियन ऑफ इंडिया टू समुद्रगुप्त. आपका एक होमवर्क क्वेश्चन ये भी है कि आपको बताना है नेपोलियन हु वॉज वन ऑफ द डिक्टेटर एंड अ मोनार्क ही बिलोंग्ड टू विच कंट्री. और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द आंसर एंड इफ यू रियली नो द आंसर देन यू कैन ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन. सो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड एज हरियाणा हरिकेन. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव. इन्हें कहा जाता है एज हरियाणा हरिकेन. आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है एंड मैंने आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में वो एग्जाम्स भी नोट किए हैं जिन एग्जाम्स में निकनेम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज डेजर्ट फॉक्स. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, जनरल रोमिल. जनरल रोमिल इन्हें कहा जाता है ही इज रिगार्डेड एज डेजर्ट फॉक्स. ये एग्जाम जो SSC CGL prelims 2005 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. कॉमन बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त. ही वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल नाइटिंगल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी. इन्होंने जो टाइटल है नाइटिंगल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला भी सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और जो नाइटिंगल ऑफ इंडिया का टाइटल है वो सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी जी ने दिया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नेम्ड एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिल्खा सिंह. ही इज रिगार्डेड एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस. इन्होंने रिगार्ड किया था महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी को, एज द फादर ऑफ द नेशन. सो फॉर द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी जी वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द नेशन बाय सुभाष चंद्र बोस. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल. तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके आगे जो प्रीफिक्स लगता है विच इज़ सरदार, इनको टाइटल दिया गया था. एंड जो वल्लभ भाई पटेल है, इनका ये रियल नेम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो ये किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने जो सरदार का टाइटल है ये वल्लभ भाई पटेल को दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री रामा कृष्णा. तो श्री रामा कृष्णा, ही इज़ रिगार्डेड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी, इनको रिगार्ड किया जाता है एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नोन एज द फ्रंटियर गांधी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफर खान. इनको कहा जाता है एज फ्रंटियर गांधी, और इनका एक और निकनेम है बादशाह खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए ओ ह्यूम. इनको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC. ए ओ का जो फुल फॉर्म है दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी फॉर्मेशन हुई थी 28 दिसंबर 1885 को. यू हैव टू रिमेम्बर दिस एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जर्नली एक्नॉलेज्ड एज द पियोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, या फिर सिंपली द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड रिपन. ही वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु इज द टाइटल ऑफ. तो देखिए जो देश बंधु है ये किसका निकनेम है, मेनली हमें ये बताना है. सो ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास विल बी द राइट आंसर. दैट सी आर दास जो इनका निकनेम है दैट इज देश बंधु. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉमनली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और सिंपली द आयरन मैन? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका निकनेम है आयरन मैन. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. अब आपके लिए ये है होमवर्क क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. सो आपको होमवर्क क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया. सो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर आपको कॉन्टेंट हिंदी मीडियम में चाहिए देन यू कैन ज्वाइन आवर चैनल ऑफ इंडो पाठशाला. एंड इफ़ यू वॉन्ट द PDF ऑफ दिस वीडियो देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ इंडो लोकस. And you can get the link of the channel either in the description box or in the comment section. So thank you so much for watching this video, and I wish all the best for your exams.